आइए आपका स्वागत है। एक राइचियस पर्सनैलिटी के बारे में आप जानना चाहोगे। राइचियस पर्सनैलिटी मतलब वैसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व है कि जो बोलता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सच्चा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलो आइए उसका क्या कर सकते हैं देखते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसमें उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मेरी मुर्गी की एक ईटा। वो अपनों को बाकी लोगों को इतना डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, उनके आजू बाजू के लोगों को जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। वो अपना ही चलाएंगे, उनके तरीके से ही लोगों ने अपना जीवन जीना चाहिए। इसमें होता क्या, उसमें ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी भी मिक्सअप, मतलब ऑब्सेशन जो है ना वो भी मिक्सअप हो जाते हैं पर्सनैलिटी में। वो उनको चीज़ें हर जगह पर जैसी होना वैसी होना, घर में साफ सुथरा होना, फिर घर में लोगों ने इनके हिसाब से ही चलना चाहिए, घर में लोगों ने कितने बजे आना कितने बजे आना इनके हिसाब से होना चाहिए, खाना कितने बजे खाना चाहिए, खाना कैसे पकाना, घर में पत्नी ने कैसे किस तरह से रहना है, घर में लड़की है तो उसने कितने बजे घर में आना कितने बजे जाना है घर में, वो उनका ठहरा हुआ है। उनको कुछ आर्ग्यूमेंट चलता नहीं है, इरेशनल थॉट उनके रहते हैं, बहुत इरेशनल, कोई लॉजिक रहता नहीं है उनका। कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, घर के लोगों के उनको शक भी आते रहता है, शकीले स्वभाव के रहते हैं ये लोग, ज़्यादा ये प्रोडक्टिव रहते नहीं, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना इनका किसी में होता नहीं। क्योंकि ये जब मेरी मुर्गी की एक ही टांग वाला जब है कि मैं बोलता हूँ वही सही है, तो इनका लोगों से बिल्कुल पट्टा नहीं है, लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर लोग उनके बहुत कम दोस्त रहते हैं, घर के लोग भी उनको चाहते नहीं है, मगर अभी क्या करें, इनके ऊपर जब घर चल रहा है, काम कर रहा है व्यक्ति, पैसे कमा के ला रहा है, तो इनकी पत्नी जो है वो बोलती रहती है ऐसे लोगों की कि भाई अभी क्या करूँ, मेरे किस्मत में ऐसा पति आ गया, मैं कुछ भी और कर सकती नहीं हूँ, यहाँ जीना यहाँ मरना है, जैसा वैसा चल रहा है, शादी हो गई तब से, और मुझे तो जीना असंभव हो गया है यहाँ, मगर मैं क्या करूँ, रहना पड़ रहा है इसलिए रहती हूँ, क्योंकि इनके इनके मर्जी से ही चलेगा सब जो चलना है वो। तो इस तरह का इनका जीवन रहता है। ये पर्सनैलिटी इनको ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको इनसाइट बिल्कुल नहीं रहती, उनको ऐसा लगता है ना कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसा अदरवाइज वो काम ठीक कर रहे, पैसा कमा के ला रहे, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, लोगों से घुल मिलते नहीं है, तो ज़्यादा लोग इनके बारे में बातचीत भी नहीं करते कुछ, घर के लोग सिर्फ तकलीफ में है। मतलब पहले उनको लैंड करना पड़ता है कि देखो आपको जो भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। धीरे 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 काउंसिलिंग में फ़र्क पड़ सकता है, मगर सबसे पहले उनको ये हमको पटाके देना पड़ता है कि आपको ज़रूरत है काउंसिलिंग की, ये प्रॉब्लम जो है वो बाकी लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उनका जीवन जीना हराम हो गया है, तो आप अभी इलाज करो, काउंसिलिंग करो और देखो क्या संभव है। तो ऐसा उनके साथ में पहले सेशन लेके फिर धीरे 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 ये लोगों में बदलाव आ सकता है। ये बीमारी एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, मगर ये बीमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का जीवन जीना उनके साथ में कठिन हो जाता है, भले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ये वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे कि इसका इलाज हो सकता है। लोग ये पागल नहीं है इसलिए हमारे पास में लाते नहीं लोग, मगर इनको यदि ये मालूम पड़ गया कि काउंसलिंग से ठीक हो सकता है तो लोग अपना अपना इलाज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोग काउंसलिंग से अपना इलाज करके अपने जीवन में आनंद ले सकते हैं, अपना जीवन अच्छा खुशी से शांति से जी सकते हैं, अपना देश आगे बढ़ सकता है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा विजन है, इसमें आपकी भी पार्टनरशिप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।